ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने जो कराया था उसका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। प्रीवियस क्लास में हमने करवाई थी एक्सरसाइज 5.3। यस स्टूडेंट, 5.3 में कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए पहले। ऑल स्टूडेंट लिसन टू मी, 5.3 यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 5.3 में कोई डाउट है तो वो पहले वो पूछ लीजिए मुझसे, फिर मैं आगे करवाऊंगी एक्सरसाइज 5.4। कोई डाउट नहीं है? मैत्री आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 का डी, क्लियर है या मैं वापस समझाऊं? मैत्री मैत्री क्वेश्चन बोलो। मैत्री आपने मेथड दोबारा समझने के लिए पूछा है तो आप 5.3 का क्वेश्चन बोल दो, मैं उस क्वेश्चन से आपको मेथड वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैत्री क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन बता दीजिए, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। वेरी गुड निर्जा, आपने आगे भी कर लिया है, कोई बात नहीं। आपने निर्जा वेरी गुड अगर आगे भी कर लिया है। मैथ्री आपको डाउट के लिए, आपको आप कह रहे हो कि मेथड मुझे वापस समझा दीजिए, तो आप क्वेश्चन बोल दो, मैं उस क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी। क्लियर? बोलो बेटा। ओके, 64 मल्टीप्लाई बाय 70 700, 64 मल्टीप्लाई बाय 700, ठीक है, ये आपने पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे हमने आपको बताया था, हम इसके फैक्टर कर लेंगे, हमेशा इस वाले डिजिट के फैक्टर करेंगे। ठीक है, किस वाले करेंगे? राइट हैंड साइड वाले के फैक्टर कर लेंगे। देख लो बेटा, ध्यान से देख लेना, हमेशा याद रखना, हमेशा राइट हैंड साइड वाला जो डिजिट है कुछ भी उसका फैक्टर कर लेंगे। कैसे? 64 × 7 × 100 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, 7 × 100 हो गया, 700 ही हुआ। अब इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे, इन दोनों की क्या कर लेंगे हम? ग्रुपिंग, इन दोनों की हम क्या कर लेंगे? ग्रुपिंग। समझ में आ रहा है? इन दोनों का, हमेशा इन दोनों का हम एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, इसका मैंने ग्रुप बना लिया और 100 को मैं अलग से छोड़ दूंगी। हमेशा मेथड याद रखो बेटा, फर्स्ट पहले याद रखो, मुझे राइट हैंड साइड को हमेशा ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ने के बाद में फर्स्ट 2 नंबर, इन दोनों नंबर का मुझे ग्रुप बना देना है। लो मैंने ग्रुप बना दिया, ब्रैकेट में बनाना है हमें ग्रुप, और ये 100 या 10 या 1000 जो भी हो यहाँ पे उसको अलग छोड़ देना है, बाहर छोड़ देना है। अब इन दोनों को आपको हमें आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 28 × 42 × 100, ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 = 8 × 00, ये आपको मैंने बताया भी था, ये इधर आ जाएगा और 00 ऐसा कैसे इसमें आ जाएगा। क्लियर? ये तीनों, ये 448 वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट में 00 एज इट इज। और पूछिए मैत्री, मैत्री क्लियर है? क्लैप कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है क्लैप? क्लैप क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, कौन है ये?
मैत्री अब आंसर दो मुझे, प्लीज गिव मी आंसर बेटा, मैथड समझ में आ गया आपको? मैत्री पूछिए कोई डाउट। मैत्री डाउट मैत्री आप मुझे सुन पा रही हो? मैत्री आपने जो कहा कि मेथड वापस एक्सप्लेन कर दो, मैंने कर दिया, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। सेकंड का डीबी बताना है क्या? सेकंड क्वेश्चन का डीबी बताना है क्या मैत्री? आपने मुझे पूछा था अलग से, डी समझ में आ गया या समझाना है? सेकंड क्वेश्चन का डी, ओके। चलिए अब सभी स्टूडेंट्स निकालेंगे पेज नंबर 62 एक्सरसाइज 5.4। पेज नंबर 62 निकाल लेंगे और एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द प्रोडक्ट। अरेंज इन कॉलम, जो आपको डिजिट गिवन है उनको कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट का ए है 24 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये है टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट वाला मेथड है। टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 20 ऐसे लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो हमें क्या है, 12 के क्या नीचे वाले के फैक्टर कर लेने हैं। नीचे वाले के 12 के क्या फैक्टर होंगे? 10 × 2। ठीक है, 10 + 2। ठीक है, हम 12 के क्या फैक्टर हुए? 10 + 2 क्या होता है? 12। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है 24 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट? फिर 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। क्लियर? 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। क्लियर? अब 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर ही चुके। 24 को 1 से करेंगे 24, जैसे 24 और 0 आगे लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे हमें उतार लेना है, ऐसे कैसे। क्लियर? अब इन दोनों को हमको क्या करना है? प्लस 8 8 2। क्लियर? ये इस मेथड से आपको करना है, सभी स्टूडेंट्स को इसी मेथड को अप्लाई करना है। क्लियर? ओके, पूछिए इसमें कोई डाउट। बिल्कुल, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल एग्जाम्पल का मेथड है, अगर किसी को देखना हो तो एग्जाम्पल में भी देख सकता है, एग्जाम्पल का ही मेथड है। वापिस समझाना है, रिपीट करना है, इसको रिपीट करना है या समझ में आ गया? पहले आपको यह है टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट को टू डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? ये तो इसका मेथड है, टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। आप उसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, फिर नीचे वाले के नीचे जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके फैक्टर कर देंगे, उसका क्या कर देंगे? फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या होता है? 10 + 2 का मतलब होता है 12। ठीक है, 12 के फैक्टर हो गए। अब 24 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो एक एक करके, आपने छोटी क्लास में कर रहा होगा, प्रीवियस क्लास में करके आए होंगे, 2 से एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपके बुक का मेथड बता रही हूँ मैं, बाकी सिंपल आप कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है, बिना इसको लिखे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक समझाने का तरीका है, समझाने के लिए ये उसने मेथड दिया है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ये एक मेथड दिया है मल्टीप्लाई को समझाने के लिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया, फिर 24 को 10 से करेंगे, और 10, 100, 1000 से मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 और 0 ऐसा कैसा आ जाता है, तो ये 240 ऐसा कैसा आप यहाँ लिख दीजिए, क्लियर, और उनको प्लस कर दो, हो गया। कोई डाउट? क्लियर है? ओके, सिंपल। और चलो सिंपल है तो एक क्वेश्चन करिए आप। चलो एक क्वेश्चन करो, टेस्ट छोटा सा। (26 × 23) टेस्ट, एक टेस्ट है, जल्दी से जवाब दो इसका, छोटा सा टेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स करेंगे और मुझे आंसर देंगे। सबका आंसर राइट होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस क्लास में करा है तो। गिव मी आंसर, हरी अप। मैत्री, आपने बिल्कुल फैक्टर सही किए बेटा, 23 के फैक्टर 20+3। अब चलिए सॉल्व करके बताइए। देखते हैं किस किसका सही है। फैक्टर बिल्कुल सही है, वेरी गुड मैत्री, बिल्कुल सही कर रही हो, बिल्कुल सही किया मैत्री, आगे करो। सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक बिल्कुल सही किया है, सभी स्टूडेंट्स का अभी तक फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही है, अब आगे करिए। राइट आंसर निर्जा, आप गलत कर रही हो, अभी तक सही है बिल्कुल। कृतिका, मैत्री दोनों का सही है, निर्जा आप गलत कर रहे हो बेटा, फैक्टर गलत, फैक्टर रॉन्ग कर रहे हो। Give me answer. Ishan, right answer. Kritika, Gunjan, Ishan. Ishan. Yes, अब सबका सही है, अब करीब करीब सबका सही है, फैक्टर भी सही है, ठीक है। अब मैं कुछ कर लोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक बता देती हूँ, फिर बाकी सब आप होमवर्क में कर लेना, क्लियर।
टू का फर्स्ट बता देती हूँ, टू थ्री डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर टू पे आ गई हूँ मैं, थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यस नेजस राइट है, अब वेरी गुड, अब सही है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर टू पे आ गई हूँ, टू का भी मैं एक बता देती हूँ, थ्री का भी एक, क्लियर। बाकी सब आप होमवर्क में कर लेना। इसमें ही मल्टीप्लाई है थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से, वही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मेथड है। 252 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। पहले 30 के हमने फैक्टर कर लिए, 10 प्लस 3 कर दिया फैक्टर। अब वही मल्टीप्लाई करना है, 252 को मल्टीप्लाई करना है पहले 3 से, ठीक है, और 252 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, क्लियर। सेम वही मेथड, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 252, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे लगा दिया 0, तो ऐसा कैसा आपको यहाँ उतार लेना है, 252 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए। सेम मेथड, 6 7, 12 का 2 1 आ गया और ये 3 आ गया आंसर, 3276 इज द राइट आंसर। सेम मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल इसी टाइप से शो कर रखा है आपको, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड किस लिए लिखा है, समझाने के लिए, तो आप अपनी कॉपी में ये मेथड भी लिख लेना, या ऐसा करना एक दो क्वेश्चन, या एक दो क्वेश्चन में लिख लेना समझने के लिए, बाकी आप प्लेन एंड सिंपल कर देना। एक दो क्वेश्चन में इस टाइप की मेथड लिख लेना, एक दो तीन क्वेश्चन में, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए कि ये मेथड समझाने के लिए। बाकी अगर एक दो, जब एक दो क्वेश्चन में लिख लो तो आप बिना इसके भी कर सकते हो, माइंड में जब क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, तो आप एक दो क्वेश्चन के बाद छोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो दो तीन क्वेश्चन में भी लिख देना, बस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमने मल्टीप्लाई कैसे कैसे किया। क्लियर, एनी डाउट, आप करिए। आप एक और एक बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है 200। अब इसमें क्या है, फोर डिजिट इसमें क्या है, इसमें क्या है, फोर डिजिट को मल्टीप्लाई किया है टू डिजिट से, फर्स्ट क्वेश्चन में टू डिजिट को मल्टीप्लाई किया था टू डिजिट से, सेकंड में थ्री डिजिट को मल्टीप्लाई किया था टू डिजिट से, अब थर्ड क्वेश्चन में है फोर डिजिट को मल्टीप्लाई किया है टू डिजिट से, ठीक है, टू डिजिट नंबर से, क्लियर। मेथड वही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से पहले कर लीजिए आप। 14 के क्या करेंगे, फैक्टर, 14 का फैक्टर क्या होगा, 10 प्लस 4 कर दिया। अब 2018 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर नेक्स्ट टाइम 2018 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्लियर स्टूडेंट। एक बार 4 से करेंगे, एक बार 10 से, 4 से करिए, 3 बचा 7, ठीक है, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 2 का 8। और ये वाला हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर ही चुके हैं, इसको 1 से करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा,
और ये जीरो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे कैसे आप यहाँ लिख दीजिए, 0 8 1 2 0, ठीक है। अगर ये नहीं भी करोगे तो आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा, वन से किसी भी चीज को डिजिट, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आ जाता है, क्लियर। वन से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। या जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया है 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई, उस तरह से कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इनको कर देंगे प्लस, प्लस कर दिए 2 15, 1 आ गया, 2 आ गया और 8 आ गया और 2, राइट आंसर, क्लियर। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वेरी गुड। अब आपको दूं एक क्वेश्चन करने के लिए, करोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन करोगे? अभी टाइम है, दे दूं एक क्वेश्चन? चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट, चलिए करिए, डू ऑल स्टूडेंट। चलिए ये एक टेस्ट है 5 मार्क्स का, करके बताओ फटाफट, आपके पास 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स से पहले पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए। Solve it. Yes, बिल्कुल सही कर रहे हो मैथ्री, वेरी गुड। ईशान, आर्यन, सूर्या, ईशान, आर्यन, सूर्या, फैक्टर बिल्कुल सही किया है, मैथ्री आपने भी बिल्कुल सही किया, वेरी गुड स्टूडेंट। पूरा करके बताइए, कंप्लीट करके बताइए आंसर, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, फैक्टर सभी ने सही किए, सब सही कर रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड रिद्धिमा, राइट आंसर रिद्धिमा मैत्री, अभी तक रिद्धिमा और मैत्री ने दिए हैं दोनों को फुल ऑफ टू फुल नंबर, 5 out of 5, 5 में से 5 दोनों को फुल ऑफ टू फुल मार्क्स, मैत्री एंड रिद्धिमा। और बताइए दोनों का सही है? निर्जा, वेरी गुड, तीसरा कैंडिडेट निर्जा, तीसरा स्टूडेंट है निर्जा, निर्जा का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड निर्जा।
वेरी गुड बेटा, और बताइए निर्जा का सही है? रिजुल 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 कहाँ गया? रिजुल रिजुल का सही है विदाउट मेथड। निर्जा, मैत्री, रिद्धिमा तीन का बिल्कुल करेक्ट है विथ मेथड। रिजुल का भी सही है, लेकिन रिजुल ने उससे पहले पता नहीं फैक्टर करके नहीं बताए। रिजुल आपने शायद फैक्टर करा नहीं, मेरे को लगता है आपने डायरेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम 2 digit, 3 digit, 4 digit का हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अच्छा निर्जा ने, हाँ निर्जा निर्जा आपने चीटिंग करी है। हर्षित सही है। निर्जा अगर मुझे सुन पा रही हो तो बेटा आपने फैक्टर गलत किया है। 90 का फैक्टर क्या होता है? 90 का फैक्टर होता है 10 + 9, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने बताया आपने यहाँ 9 की जगह 4 लिखा था, तो 90 का फैक्टर होता है 10 + 9। 10 + 4 थोड़ी होता है ना, 10 + 9 माने 90। 10 + 4 तो 40 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10 + 9 होता है 19, 19 के फैक्टर हो गए, और आपने अगर 4 लिखा तो वो तो 14 हो जाएगा। क्लियर? ओके निर्जा, ओके ओके बेटा। यस स्टूडेंट, टाइम इज ओवर नाउ। तो आज आप करेंगे, आप फुल करेंगे एक्सरसाइज 5.4। अभी कर लेना, बहुत सिंपल है। 5.4 फुल करनी है आपको होमवर्क में। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन समझा दिए, 1, 2, 3। अरेंज इन कॉलम, पहले कॉलम में अरेंज करके और फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 5.4 फुल करनी है आपको होमवर्क में। एनी डाउट? ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।